सेकंड सब इधर। और साइलेश रिंग अपना वही सेंटर पकड़ के ये पिलर सेम ये पिलर हमारा और इधर एक इतना इसका वो तो हो जाएगा अपन जैसे सेम लास्ट में फिटिंग बदला के या It actually transports you back to the time of the gladiators, you know, when you had two professionals going for it, fighting each other, and I think it's extremely thrilling to watch as a sport. Ladies and gentlemen, we are India's premier mixed martial arts fight league. A big hand for FCC! Tonight you're going to experience 16 crazy fighters. They are from all around India, from small town India. And they have come here to showcase their talent on the stage in front of all of you! बहुत बच्चा था वो लेके जाते थे ऐसे मिट्टी में खेलने के लिए तो शौक पैदा हो गया उनका एक सपना था कि अच्छा नाम हो रेसलिंग में या कोई भी स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नाम होना चाहिए
इसलिए अभी दिल लगा के कर रहा हूँ। जब स्कूल में आया तो MMA का प्लेटफॉर्म तब अच्छा था, MMA फेमस गेम था बहुत, तो दिलचस्पी आ गई। TV पे देखा था शो MMA का, तो सोचा क्यों ना खेलूं। और बहुत प्रॉफिट मिल रहा है अभी MMA में, इसका भी बेसिक बहुत अच्छा है। नहीं, उनको पसंद है, बस वो देखने नहीं आते कभी, उनको खून खराब अच्छा नहीं लगता, बस मेडल मिलता है, नाम होता है, ऐड मिलती है बहुत सारी, अच्छा लगता है उनको, बट फाइट देखने के लिए कभी नहीं आते वो लोग। अच्छा, ये जो मिक्स है, क्या क्या डालते हैं इसमें? दही और पता नहीं और दो तीन चीजें। दही डालते, काऊ डालते, हाँ, और नींबू डालते, ताक डालते, कापूर डालते, हाँ, वो अच्छे होते हैं। बट क्यों, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं जो, क्या आप मेहनत करते हो ना, हाँ, तो इसमें बैठेगे तो स्ट्रांग होते हैं क्या जॉइंट्स, हाँ। और कैसे स्किन का कलर विलर बदलता है इससे? नहीं, बट क्यों ये सब डालते हैं मिक्स? वो बाती के लिए अच्छा है, भी कैसे अपन खाते हैं जैसे अच्छे अच्छे खाते हैं वैसे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ लगता है खुराक वैसे। मदद करता है ना, 5-6 घंटे तो दिन में करता ही हम, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करता है, दोपहर के टाइम में हमको हेल्प भी करते हैं। हमारे पिताजी वही थे, पहलवान थे, हम भी, और दादू मामा है ना हमारे, वो मेहमान ही हमारे, वो इंद्र केसरी है, महान भारत केसरी है उन। उसने इनको ही इतने थे, वहाँ से अभी सिखाए, लेकिन कुश्ती में इसको इंटरेस्ट नहीं है, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है वो, तुम्हारे MMA में बहुत है। अभी हर पेज पे ना, जहाँ मेरा साइन है इधर लेफ्ट पे ना, अपना सिर्फ इनिशियल करना। और एक इधर, कुछ भी कोई भी मार्शल आर्ट खेलो, बट मिक्स मार्शल आर्ट सिर्फ FCC, वो और किसी के लिए नहीं। ओके, एंड स्पॉन्सरशिप तो ठीक है, सपोज उनको ऐड बनानी है तो उनको चाहिए कोई ऐड के लिए, फाइटर्स ये वो, तो वो अगर तुमको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, उनसे बात करना, हम वो मैं करूँगा। सो मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या कुछ भी आता है, वो मैं, तुम अगर 10,000 बोलोगे मैं 10,00,000 बोलूँगा। सो वो मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह प्रोफेशनली मैनेज कर लूँगा। ठीक है, कहे संग्राम, रेडी हो जाओ। चलो एक्सलेंट, ठीक है। क्या आनी मोटो वाला भाई, देख ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप मांगता है। Yeah, I got it.
पूरा अंदर फुली इनसाइड रेस्टिंग एक्चुअली इन प्लेसेस लाइक कोल्हापुर इज रियली स्ट्रांग So which is why actually we get a lot of good fighters from here who've got a very strong background in wrestling you know so for them to adapt to the sport is much easier bahut pressure aa raha hai ye idhar yeah 7 8 9 itna acha chance tha first round ke andar एक पॉइंट पे पोजीशन ऐसे था नहीं सॉरी तुम देखो बिकॉज ओए बासी मार रहा है बग हाँ तुमको ऐसे मिला था पर तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे उसको थ्रो करने के ये गलत है एक बार ये पोजीशन मिला ना खत्म कर दो ब्रीथ ब्रीथ तो उसका बेल्ट हासिल करने के बाद हर कोई स्टार तो बन नहीं जाएगा ऐसे हीरो की टाइप फील करूंगा मैं हम जाते हैं छोड़े है वो मेरे वजह से छोड़े क्योंकि मैं रोज झगड़ा लाता था वहाँ पे इसके लिए मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर लेकर आया और मुझे पता नहीं था कि सामने एक लड़का नहीं कुछ ज़्यादा है 10-12 है और हथियारों के साथ है तो ये फट गया मेरा ब्लेड ब्लेड मार दी थी उनमें से मैंने किसी को नहीं छोड़ा सबको मारा मैंने बस जो मेन था लड़का जिसने मेरे सिर में डंडा मारा था टूट गया था पूरा उसका पीछे हाथ टूट गया
कैसे हो? ठीक, फिट, एक्सेलेंट। अभी उठे क्या? हाँ, अभी उठ लिया। बहुत जल्दी उठ गया यार आज। और जल्दी उठ गया। 2 o'clock। 12 बजे उठा हुआ। तू फोन नहीं करा मैं। जब क्या करें अभी? बाहर है। कहाँ पे सब? आएंगे बुरे। और भाई और सब? एक बार। पढ़ाई में ठीक था, बचपन से ठीक था, मगर बाद में थोड़ा पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं लगने लगा। मस्ती बहुत बहुत मस्ती, चोट तो उसको कभी नहीं लगी, दूसरों को चोटें देता। बट कैसे फिर आपको मालूम कैसे पड़ता था कि फाइट हुई? घर पे आती थी शरारत, लोग आते थे, अल्फान ने ऐसा किया। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती थी लड़ाई झगड़ों का, उसका ही नतीजा ही दुआओं का जो अभी अल्फान यहाँ तक पहुँच रहा है। हम लोग यही दुआ करते हैं अल्फान कुछ अलग बने, कुछ नाम करे। Alfan's a really hardened guy, you know, because he's lived in the slums and he's worked as a laborer. You know, he's actually done manual labor, and that's really kind of conditioned him and hardened him and, you know, prepared him for this. मुझे जिम का ही बहुत शौक था, तो इसी जिम में मेरी और शशि की मुलाकात हुई। तो शशि ने मेरे बारे में सुना था कि मैं बहुत झगड़ा वगड़ा करता हूँ। प्रशांत सर और शशि दोनों अच्छे दोस्त थे। एक बार शशि ने मुझे बोला कि तू आ जिम पे और उधर लड़ ले। उसने ऐसे इंसान से मेरी फाइट लड़ाई जो मेरे से डबल था। मैं रिंग में उतरा और वो मुझे पंच मारने लगा, तो मैंने उसको उठाकर नीचे पटक दिया। और उसको मैंने लो किक डाला। हाँ। और उसने मेरी किक पकड़ लिया। हाँ। तो लो किक डाला, किक तेरी फास्ट होना चाहिए। अगर लो किक डाला और तेरी उसने किक पकड़ा तो नेचुरली वो क्या करेगा, लो किक पकड़ेगा और राइट ले जाएगा। फट मूव, फट मूव, फट मूव। समझ में? और जब तू खेलने वाला है ना तो सबका भरोसा तेरे पे, और मेरा भरोसा तू है और तेरा भरोसा मैं। देखते को तो मालूम है अपना क्या है, ट्रेनिंग का क्या है, तेरे को मालूम है। अपने पास में खुद का जगह है। अपन 2-4 ग्लव्स लिया, अभी अपने को ग्लव्स मिला, प्रशांत सर ने दिया, तो अपन ट्रेनिंग कर पा रहे। इतने दिन अपने पास में एमएमए ग्लव्स भी नहीं थे। और सब चीज़ें ध्यान में रख के फाइट में उतरना, इंशाल्लाह फिर तू जीत जाएगा। अभी चलो अल्फान, रेडी हो जाओ जल्दी से, अभी निकलना बॉम्बे। ओके, लेके जा रहे हो? हाँ। अरे प्लीज, इन्होंने परमिशन दे दिया। इंशाल्लाह बनेंगे, बनना। Begins now. Let's hear it, ladies and gentlemen. Come on. Yeah!
मार। We need a very good person to take on our fan space. We have Team Cash Flow. But we need the best of our space, so please get down. Please get down. Now, Rob, you really are a good man. Let's see if we can continue with the last round. He wants to be proven बोला था ना मैंने मैंने जितने उसको भी जितने दूंगा I think during the fight, see, we don't allow knee strikes on the face and elbow strikes on the face, but that was not intentional. But the problem is that the cut is so bad that the doctor says we can't continue, so we'll have to call this fight a no contest. No contest, guys. I think a big round of applause for both of them. Yeah, that's what I wanted. First time in the history of FCC. Two winners together. A big round of applause for our referee, Shafiq, also known as Super Kick. नॉकआउट नहीं कर पाया लेकिन अच्छा खेला लेकिन फाइट नॉकआउट ना होने का थोड़ा अफसोस लग रहा है. अभी क्या करोगे? कुछ नहीं, अभी घर जाऊंगा. बाहर प्लान है, एंजॉयमेंट करेंगे. थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट करके. अभी चैंपियन बनना है इंडिया के लिए और इंडिया के लिए मेडल लाने की कोशिश चल रही है. अभी मैं पहले आपको ये बताऊंगा, पहले मैं स्टिक फाइटर था, रास्ते पे लड़ता था हमेशा, तो मेरे को कभी डर नहीं लगा ऐसा. और मेरी मम्मी बोलते थे संभल के जाना नहीं, अम्मी तो टेंशन नहीं ली अम्मी ने.